राजधानी भोपाल के नगर निगम में सब कुछ संभव है। बात बकाया वसूली से जुड़ी हो या संपत्ति कर के खातों को लेकर गड़बड़ी की, ये जानकर आपको अचरज होगा कि यहां संपत्ति कर के पूरे भुगतान के बावजूद दोबारा नोटिस थमाया जा रहा है। और ये एक बार की बात नहीं, नोटिस भी ऐसा कि सीधे संपत्ति कुर्क करने की धमकी मिलती। नगर निगम में ऐसी शिकायतों का आंकड़ा 5000 से ज्यादा है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल नगर निगम का कारनामा, हर वार्ड में संपत्ति कर के डबल खाते, टैक्स भरने के बाद भी नोटिस पर नोटिस। जी हाँ, सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है। भोपाल नगर निगम प्रदेश का एकमात्र ऐसा निकाय है जहाँ हर वार्ड में संपत्ति कर के डबल खाते हैं। निगम के आंकड़ों में 5.5 लाख संपत्ति कर के खाते हैं, जबकि डुप्लीकेट खातों की संख्या 2 लाख से अधिक है, यानी हर तीसरे करदाता के 2 खाते हैं। गड़बड़ी ऐसी है कि जमा कराया गया टैक्स एक खाते में तो दर्ज है लेकिन दूसरे खाते में वो अभी भी कर्जदार है। समय पर संपत्ति कर जमा करने के बाद भी कर्जदाता दोहरे खाते की मार से परेशान है। यहाँ तक कि संपत्ति कुर्क करने तक के नोटिस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें जो है संपत्ति करके 2-2 खाते हैं, एक खाते में वो लोग जमा कर रहे हैं लेकिन दूसरे खाते में नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है कि आप पैसा जमा करिए और नहीं तो हम आपका प्रमाइसेस कुर्क कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि डबल की इस फेर में करदाता कैसे फंस रहा है। ऐसे शुरू हुआ डबल का गेम। साल 2011 में शुरू हुई है ये समस्या, खाते ऑनलाइन करने में हुई गड़बड़ी। साल 2016 में GRS सर्वे भी नहीं हो पाया, संपत्ति दोबारा बेचने के बाद अपडेट नहीं हुई, बकाया भुगतान को दबाने के लिए खोले गए नए खाते, ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर में सही डाटा अपलोड नहीं हुआ। पूर्व पार्षद ने भी इस समस्या को गंभीर बताया है। किसी भी बार की बात कर लो, आप प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर 2-2 बार उनके घर पहुंचाया जा रहा है बिल। कहीं ना कहीं इनको मानसिक पड़ताल होती है। जिन लोगों ने बिल भर चुके हैं उन लोगों के घर पर बिल पहुंचाए जा रहे। जब मामले में निगम के जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया तो उन्होंने समस्या को तो स्वीकार कर लिया लेकिन स्थायी समाधान नहीं बताया। हालांकि निगम आयुक्त ने ये नुस्खा बताया, ऐसे कोई किसी का आपत्ति है वो तत्काल मान लीजिए जोनल अधिकारी के पास बात कर सकते हैं। यदि उधर भी कोई इश्यू है मेरे पास या नहीं तो मतलब असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास भी आ सकते हैं। मैं हर मंगलवार 12 बजे से मतलब 2 बजे तक मैं माता मंदिर ऑफिस में बैठ रहा हूँ। किसी का प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कोई दिक्कत है तो मेरे पास भी आ सकते हैं। किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस से रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। किसी शायर का ये कलाम भोपाल नगर निगम की जिम्मेदारों पर सटीक बैठता है। समस्याओं और गड़बड़ियों से भरे नगर निगम के बेसुध अधिकारियों के कारण करदाता दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है और समस्या का समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल।